आपके वक्तव्य की सजावट शब्दों से होती है। कौन सा शब्द का फूल कहाँ लगाना है, प्रवचन की माला तैयार करने के लिए शब्दों के फूल चुन चुन कर तैयार रखिए और प्रेम के धागे में ये शब्दों के फूलों को और भाषा के फूलों को पिरो दीजिए, फिर वो प्रवचन की माला तैयार होगी। और वह सुंदर प्रवचन की माला जब श्रोताओं को पहनाई जाएगी तो इनके जीवन की माला भी सुंदर हो जाएगी। इसलिए प्रवचन की माला को सजाने के लिए भी शब्दों का चुनाव करना पड़ता है। आप अपने दैनिक जीवन में भी चुन करके बोलिए तो महाराज श्री राम की भाषा शैली भाव बोलने का अंदाज बहुत स्ट्रांग था। जो तुम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हो उससे तुम्हारे भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए अपने बोलने पर भी गौर कीजिए, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, चुप रहना है, मौन रहना है, कब हंसना है, कब मुस्कुराना है, कब शांत रहना है, कब ठहाका लगाना है, ये सारा बैलेंस समझना है। दाल को कब छौंकना है कि नहीं छौंकना है, दाल में मिर्चा डालना है कि सब्जी में डालना है कि भात में डालना है, अगर ये कला नहीं मालूम है तो आपका किचन जो है किचकिच हो जाएगा, भोजन तैयार नहीं होगा। और इस कला को अगर सीख लिया है तो ज़िंदगी में भी टेस्ट आ जाएगा और ज़िंदगी में भी आनंद आ जाएगा। करहु विचार जो सब दुख जाए, परिहरि झूठा के सगाई, परिहरि झूठा के सगाई, करहु विचार जो सब दुख जाई, सब दुख जाई। तो कबीर साहब कहते हैं इस संसार में ना तो दुख है और ना तो सुख है, दुख सुख से मुक्त है संसार। तुम्हारी सोच तुम्हारा चिंतन दुख सुख को जन्म देता है। एक ही घर में रहने वाले कुछ लोग बहुत दुखी रहते हैं और कुछ लोग बड़े सुखी रहते हैं, कुछ लोग थोड़ा दुखी थोड़ा सुखी रहते हैं और कुछ लोग पूरा दुखी रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं इस घर में तो ऐसा नरक है ये खत्म होने वाला नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं हमारे कलेजे में आग लगी है, कुछ लोग कहते हैं हमको कुआं ताल लेना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं मर जाऊं कहीं जाकर क्या करूं। मैं उज्जैन में किसी घर में पधरौनी गया तो एक माता जी बोली कि एक लड़का मैंने गोद लिया था, वो जवान हो गया, शादी कर दिया और पति पत्नी दोनों घर छोड़कर भाग गए। तो उनका पति बोला कि मेरी वाइफ को बहुत क्रोध आता है, इसके क्रोध के कारण वो भाग गए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो हमने कहा तुम नहीं भागे, तो बोले मैं क्या भागूं, मेरे को इससे भी ज़्यादा क्रोध आता है। मैं भी इसके ही लेवल का आदमी हूँ, ये नालायक है तो मैं महानालायक हूँ, दोनों एक ही मॉडल हूँ, लड़ता झगड़ता रहता हूँ। तो भाग गए, तो हमने कहा भाग कर कहाँ गए, तो बोले इंदौर भाग गए उज्जैन से। तो उस स्त्री ने कहा कि इस घर में पूरा नरक है गुरुजी, मैं तो इस घर से छोड़कर कहीं चली जाऊं तो ही अच्छा है, तुम अगर आश्रम बनाओ उज्जैन में तो वहाँ एक कोने में हम एक कमरा कुटिया बना ले वहीं रहें। तो हमने कहा यहाँ का नरक आश्रम में पहुंच जाएगा। क्योंकि स्थान बदलने से कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। कितने साधुओं की जिंदगी में भी नरक है, घर तो छोड़ दिया पर स्वभाव नहीं छोड़ा, नालायकी नहीं छोड़ा, माता पिता को छोड़ दिया पर उल्लू बना नहीं छोड़ा,
परिवार छोड़कर आ गए पर पुड़िया खाना नहीं छोड़ा, क्रोध नहीं छोड़ा, साधु के कपड़े लपेट लिए, सधुवाई बिल्कुल नहीं है। ये कपड़ा लपेटने से थोड़े जिंदगी सुधरेगी, और घर छोड़ने से पहले लालच छोड़ो, खाने पीने का भी लालच न रहे, चट्टापना न रहे, माता पिता को छोड़ने से पहले मोह छोड़ो, और भाई बहन से अलग होने से पहले ममता छोड़ो, और घर का त्याग करने से पहले काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को छोड़ो, अन्यथा तुम साधु बनोगे, जिस मंडली में पहुंचोगे उस मंडली को खड़मंडली कर दोगे, वहीं ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई बवाल बनाते रहोगे। कितने साधु बड़े परपंची होते हैं, क्योंकि फुर्सत में रहते हैं, रात दिन वही मथानी चलती रहती है, न खुद कुछ कर पाए न किसी कुछ करने देंगे। साधुओं में भी कई क्वालिटी होती है, और गृहस्थों में भी बड़े असमंजस हैं। इसमें भी मायका छूट गया पर मायके की हरकतें ससुराल में आ गई, वही आदतें हैं, वही छलांगे, वही खुराफात, हाहा हो है कोई शांति नहीं। तो वो लड़की बोलती है, अरे मायका छोड़ दिया, सोचा था ससुराल में सुख मिलेगा, यहाँ तो और नरक है। ये नरक ससुराल में नहीं है, नरक तुम साथ साथ लेकर घूम रही हो, तुम जहाँ जाओगी वही नरक रहेगा। तुम होशंगाबाद छोड़ दो, छिंदवाड़ा में जाओ तो छिंदवाड़ा में नरक पहुँच जाएगा। नरक तो तुम बनाती हो, नरक क्या कहीं ससुराल में रखा है? जहाँ चाहो वहाँ स्वर्ग बना दो, जहाँ चाहो वहाँ नरक बना दो, ये सब तुम्हारे हाथों का खेल है। अगर तुम गम खाना सीख गए, सहनशीलता तुम्हारे अंदर आ गई, विवेक आ गया, सवेरे समय पर जागना सीख गए, और छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करना सीख गए, और सबकी बात को सहना सीख गए, और सबका सम्मान करना सीख गए, तो जहाँ कितना ही नरक हो वहाँ स्वर्ग बन जाएगा। याद रखना, स्वर्ग की चाबी तुम्हारे पास में। आलसी नंबर वन, तो स्वर्ग कहाँ बनेगा? मैंने देखा, एक हमारे भक्त हैं, आयुष नर्सिंग होम, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 5 मिनट में ऑपरेशन फट से करते हैं। तो उनके घर पर हमारे संत गए, तो वे झाड़ू लगा रहे थे, उनकी पत्नी पोछा लगा रही थी। तो संतों से कहा, महाराज वो दूर कुर्सी पड़ी वहाँ बैठो, आधा घंटे न मरीज देखूंगा न कुछ देखूंगा, केवल घर की सफाई चल रही। तो संतों ने कहा, डॉक्टर साहब आप इतने बड़े डॉक्टर हैं और झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, ये पोछा कौन लगा रहे हैं? ये बोले वाइफ है, और झाड़ू हस्बैंड। तो बोले माँ क्या करती है? बोले माँ चाय बना रही है, नाश्ता रेडी कर रही है। बोले तुम्हारे बाप? बोले पीछे भैंस बंधी उसको चारा खिला रहे। बोले बेटे? बोले स्कूल जा चुके। बोले नौकरानी? बोले कोई नहीं, हम अपना काम खुद करते हैं। कम से कम 20 ऑपरेशन रोज करते हैं, 1 लाख का काम रोज करते। तो संतों ने पूछा, इतने छोटे काम क्यों करते हो? बोले छोटा काम करने से बड़ा अहंकार खत्म होता है, और छोटे छोटे काम, कड़े कड़े काम, बड़े बड़े काम, खड़े खड़े काम, बैठे बैठे काम, जब जितना करोगे काम उतना मिलेगी आराम उतना होगा, नाम कभी नहीं होगे बीमार। हम स्वस्थ रहने के लिए मेहनत करते हैं, नहीं तो हम खुद भर्ती रहेंगे अस्पताल में। इतना बड़ा डॉक्टर भी काम कर रहा है, और कितने लोगों ने सोच रखा है काम ना करना बड़े आदमी बन जाना है। काम ना करना बड़ा आदमी होना नहीं है, काम ना करना बड़ा निकम्मा होना है। काम ना करने से कोई बड़ा होता? भगवान कृष्ण गौएं चराते थे, ईसा मसीह लकड़ी के फर्नीचर बनाते थे, कबीर को सुना हूँ कपड़ा बुनते थे, सबने काम किया है। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के यहाँ गाय को स्नान कराते थे। काम करना बुरा नहीं है, अपने घर में लांग बांध करके काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बातें ज़्यादा मत कीजिए, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराइए, आपस में हंसना सीखिए, खुश रहना सीखिए। कितने लोग गैर लोगों से बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, अब आपस में जब एक दूसरे को देखते तो ऐसा मुंह ऐंठते हैं जैसे सड़सी, और एक दूसरे को देखकर उनके जलन होती है। आपस में खुश रहना सीखो,
पति पत्नी एक दूसरे को देखकर खुश रहो, भाई भाई खुश हो जाओ, माँ के पास बैठो, मुस्करा कर बोलो माँ तबीयत तो ठीक है ना, अपने पिताजी से पूछो क्या हाल चाल पिताजी, पिताजी तुमसे पूछें क्या हाल चाल बेटे ठीक हो, आपस में हाल चाल भी लोग नहीं पूछ रहे हैं, तबीयत भी नहीं पूछ रहे हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो नरक तो बनेगा ही, स्वर्ग थोड़े बन जाएगा, एक दूसरे का ख्याल करो। यदि तुम माँ बाप से बैठकर प्रेम से पूछ लोगे कि मेरी माँ तेरा मन तो खुश है ना, खुश नहीं होगा तो भी खुश हो जाएगा, वो कहेगी हाँ ठीक है। अपने पिताजी से पूछ लो कि पूज्य पिताजी कोई चिंता मत करना, कोई समस्या हो मुझे बताना, मैं सब सॉल्यूशन कर दूंगा। मैं अपने गुरुजी से पूछता हूँ गुरुदेव कोई समस्या हो मुझे बता देना, मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, समाधान तुरंत। गुरुदेव कहते ठीक है। अपने घर के बूढ़ों के पास 5 मिनट बैठ जाया करो, क्योंकि तुम भी बूढ़े होने वाले ही हो। अगर अपने घर में बूढ़ों के सम्मान की परंपरा बना दोगे तो तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारा भी सम्मान होता रहेगा, और बूढ़ों के अपमान का रास्ता खोल दोगे तो तुम बूढ़े होगे तो तुम्हारा घोर अपमान होगा। याद रखना, बूढ़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि अपना भी बुढ़ापा आने वाला है। और अपने नौजवान बेटे बहू का भी ध्यान रखिए, उनको ज़्यादा दबाइए भी मत, उनको कुछ करने भी दीजिए, उनको आगे बढ़ने भी दीजिए। अभी मैं श्योपुर कला में गया तो एक परिवार ऐसा था, वहीं से मैं आ रहा हूँ, जिसमें 20 साल से लड़ाई झगड़ा होता रहता था, हमें 20 साल से वहाँ की लड़ाइयाँ सुनता रहता था, क्योंकि बहुत प्रेमी थे तो मैं 1 घंटे उनके परिवार को अलग से समझाता था, तो मारपीट नहीं होती थी लेकिन लड़ाई हो जाती थी, तो मैंने उनका बंटवारा करने का आदेश दे दिया, तो उन्होंने 2 लड़कों को अलग किया। मैंने कहा सबको अलग कर दो, जितना जिसका हिस्सा दे दो, सबकी उन्नत करने की इच्छा। तो जिसको अलग किया उसने 5 साल में बहुत सुंदर मकान बनाया, और जिनको अभी भी अलग हिस्सा नहीं दिया वो सब कचड़े में पड़े हुए। तो मैंने कहा इनको भी अलग करो। बोले गुरुदेव इच्छा नहीं होती, मेरे द्वारा पैदा हुए बच्चे अलग रहे। हमने कहा बुद्धि नहीं है, तुम टीचर जरूर रहे हो, ये 5 लड़के हैं, एक एक दिन हफ्ते में भोजन करो इनके यहाँ, और 2 दिन अपने घर में खाओ, और इनको बांट दो, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार आपका है, और माल छको, और जब जाओ तो बहू को धन्यवाद दो, टीचर हो 30,000 महीना पेंशन मिल रही है, जब बहू के यहाँ जाओ तो बहू के लिए कुछ सामान भी लिए जाओ। बोले गुरुदेव देने का मन ही नहीं होता है, पैसा जमा तो है बैंक में। तुमने कहा बहुत कंजूस हो। बोले कंजूस क्या, तुमको नहीं देता हूँ कुछ भी, बस खाली हाथ जोड़ता हूँ साहेब साहेब। वो हाथ खूब जोड़ता, मेरे को भी दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं देता है। मैंने कहा मेरे संतों को दक्षिणा दे दो। बोले गुरुदेव इनके लिए तो बात ही मत करो, इनको बुलाया कौन था, मैं तो आपको बुलाया था। बहुत कंजूस है, उदार बनो, अपने बेटे बहुओं को सहयोग करो, उनकी उन्नति हो विकास हो, ये सब विचार करो, विचार इसी का नाम है। उत्पन्न पश्चातापसी बुद्धिर भवति यादृशी, तादृशी यदि पूर्वं स्यात् कस्सिना स्यान्न महोदयः। पश्चाताप उत्पन्न होने पर, दुख आने पर, चिंता होने पर, हानि होने पर, नुकसान हो जाने के बाद जैसी बुद्धि मनुष्य की बनती है, जैसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी बुद्धि यदि चिंता होने के पहले होती, नुकसान होने के पहले होती, हानि होने के पहले होती, सब कुछ खो जाने के पहले ऐसी बुद्धि आ जाती तो भला किसका भाग्य उदय न हो जाता। हानि होने के बाद आदमी की बुद्धि आती है, ऐसा करते तो ठीक था, वैसा करते तो ठीक था, ये न करते तो ठीक था, वो न करते तो ठीक था, लेकिन बुद्धि कब आई, जब चिड़ियां चुन गई खेत तब ज्ञान समझ में आया, लेकिन अब पछताए क्या होत है जब चिड़ियां चुन गई खेत। रावण को जब राम ने मारा तो रावण के आंसू आ गए,
तो राम ने पूछा, रावण आंसू क्यों आए? बोले, दुख इस बात का नहीं कि तुमने हमको मारा है, दुख इस बात का है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोले, आपका भाई लक्ष्मण आपके साथ में है और मेरा भाई विभीषण भी आपके साथ खड़ा है, और हनुमान जैसा बंदर उसको भी आपने अपने भाई जैसा मानकर सम्मान दिया है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, इसमें कितने लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते जरा हाथ ऊंचा करें। बस रह दो, अब भूत प्रेत भी कम हो गए तो हनुमान चालीसा का महत्व भी कम हो गया है। आज के 40 साल पहले बहुत लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब कितने लोगों ने अपना खुद का नाम ही महावीर रख लिया है कि महावीर हम खुद ही हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो रघुपत की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मंपरी भरते ही संभाई। हनुमान जी को राम ने कहा है कि तुम हमारे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत प्रिय है। भरत भाई के लेवल में हनुमान जैसे बंदर को बिठा लिया और गले लगा लिया। तो रावण कहता है, आपने बंदर को भी अपना भाई मान लिया और मैं अपने भाई विभीषण को भी भाई की तरह नहीं रख पाया, और आपने अपने भाई लक्ष्मण को भी साथ रखा है और मेरे भाई विभीषण को भी साथ रख लिया, और मैं इतना मूर्ख निकला कि मैं मेरे भाई विभीषण को साथ नहीं रख पाया, लात मार कर निकाल दिया। यदि आज मेरा भाई विभीषण मेरे साथ होता तो ये युद्ध बहुत दिनों तक चलता, है राम तुम मुझको मार ना पाते, क्योंकि फिर कौन बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, तुम्हारे बाण कम हो जाते, मेरे प्राण कम नहीं होते। लेकिन ये दुनिया कहेगी कि राम ने मारा है रावण को, पर वास्तव में मेरे भाई विभीषण ने आपको बताया है कि बाण कहाँ मारना है, तो मुझे मरवाने वाला मेरा भाई है, घर का भेदी लंका ढावे, इसलिए मेरी गलती पर मैं रो रहा हूं। लेकिन अब गलती हो चुकी है, अब रोने धोने से भी क्या होता है? नुकसान होने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं होगा, हानि होने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ ना होगा, दुख आने के बाद अब चिंता करने से भी कोई फायदा नहीं है। अब उसको स्वीकार कीजिए, जो आपने किया है उसे स्वीकार कीजिए। इसलिए संभल संभल करके कदम रखिए, होशियारी से काम कीजिए। कहीं आप नौकरी कर रहे हो, जल्दी जोश खरोश में छोड़िए मत, छोड़ तो दोगे लेकिन वैसी जगह का मिलना कठिन है, और जहां छोड़ दोगे वहां दूसरा व्यक्ति ज्वाइन कर लेगा तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं, तो सीट खाली नहीं होगी, तुम भटकते रहोगे। तो कृपया सावधानी बरतिए, जोश में मत आइए। आप कहीं सेटल हो चुके हैं, जहां पर आपने अपना प्लेटफार्म बना लिया है, उस प्लेटफार्म को संभाल कर रखिए और उस प्लेटफार्म से विचलित मत होइए, क्योंकि पूरी जिंदगी प्लेटफार्म तैयार करने में निकल जाती है, और बार बार प्लेटफार्म ही बदलोगे तो याद रखना फिर जिंदगी तो लेट फार्म हो जाएगी, प्लेटफार्म ही नहीं बन पाएगा। तो जिंदगी में डेवलप कब करोगे? इसलिए जहां पर हो उसी प्लेटफार्म को सुधारिए और वहीं से अपने हवाई जहाज को आकाश में उड़ाइए और विकास की यात्रा शुरू कीजिए। शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन शिक्षा से केवल विकास नहीं होगा, शिक्षा के साथ साथ आपका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, आपकी वाणी भी अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा के साथ साथ आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। कितने लोग ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं लेकिन बिल्कुल बौड़म बनकर घूमते रहते हैं, ऐसा लगता है पागल आदमी है, बेकार आदमी है। शिक्षा का प्रयोग करने के लिए सुंदर स्वभाव की आवश्यकता है, अपनी योग्यताओं को उपयोग करने के लिए सुंदर चरित्र की आवश्यकता है,
अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए आपके अंदर सहनशीलता की जरूरत है। यदि सहनशीलता नहीं होगी तो आप अपनी कलाओं का प्रयोग नहीं कर पाओगे, और यदि आपकी कलाओं का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे तो दुनिया आपको कीमत भी नहीं देगी, आप साधारण बनकर रह जाओगे। इसलिए अपनी कलाओं का प्रयोग करने के लिए भी गम खाइए, अपनी योग्यता का प्रयोग करने के लिए सहनशीलता बढ़ाइए, और अपने अंदर नए नए गुणों को विकसित करने के लिए नम्रता रखिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए, तो दुनिया में कभी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे कदम आपके बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि एक तो आपके पास शरीर है, तो शरीर की व्यवस्था को भी अच्छा बनाइए। दूसरा, आपके पास में आत्मा है, आत्मा की शांति के लिए भी सोचिए। कितने लोग शरीर की व्यवस्था में ही उलझे हुए हैं, केवल मकान में, जमीन में, धन में, वैभव में, दुकान में, गाड़ी में, लाड़ी में, साड़ी में, लफड़ा में, इसी में फंसे हुए। आत्मा के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं, आत्मा के लिए सत्संग करने का वक्त ही नहीं, अपने मन को संभालने के लिए भक्ति करने का उनके पास में कोई अवसर ही नहीं। यदि आपके पास में भक्ति नहीं होगी तो आप सत्संग में नहीं आ सकते, और सत्संग में यदि नहीं आ सकते हो तो आपके पास में समझ, ज्ञान, विवेक भी नहीं हो सकता है। और जिसके पास में समझ, ज्ञान, विवेक नहीं है, वो कितना ही योग्य हो, अपनी योग्यताओं का प्रयोग भी नहीं कर सकता है, और जिसकी योग्यताओं का प्रयोग नहीं होता है उसकी कीमत संसार में नहीं रह जाती है, और जिसकी योग्यताओं का सही प्रयोग हो जाता है वो संसार में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। इसलिए अपनी योग्यताओं को प्रयोग करना है तो आप विवेक पैदा कीजिए, विचार करना सीखिए, गम खाना सीखिए, सरल स्वभाव बनाइए, प्रसन्न रहना सीखिए, आनंद मगन रहना सीखिए, और संतोष भी रखिए, और साथ साथ में हंसना भी सीखिए, खुश रहना सीखिए, टेंशन में रहने की आदत छोड़िए। जहाँ बैठते हो वहाँ उदास चेहरा लेकर क्यों बैठते हो, निराश बन करके क्यों बैठते हो? बेटियों का विवाह करना है, अच्छी खेती करो, अच्छी दुकानदारी चलाओ, अच्छे ढंग से सर्विस करो, पार्ट टाइम में भी काम करो। गुजरात का एक इंजीनियर चप्पल दुकान पर बैठा था, तो मैंने कहा चप्पल दुकान दूसरे की कि तुम्हारी? बोले मेरी है। तो मैंने कहा आप इंजीनियर हैं? बोले 1.5 लाख रुपए महीने पाता हूँ, इंजीनियर हूँ बड़ोदरा में। तो मैंने कहा चप्पल जूता बेचते में शर्म नहीं लगती है? बोले बड़ा आनंद आता है, इंजीनियर का अहंकार चप्पल बेचने में ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या है? बोले बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। बोले सवेरे मैं बेचता हूँ 2 घंटे, और फिर दिन भर मेरी वाइफ बेचती है, और शाम को बच्चे बेचते हैं, और नाइट में फिर आ जाता हूँ तो मैं बेचता हूँ 9 बजे रात तक। तो इतना पैसा चप्पल जूते की दुकान से आ जाता है कि मेरा वेतन पूरा बच जाता है। 3 बच्चे हैं, तीनों मकान अलग अलग बनवा रहा हूँ वेतन से, और चप्पल जूते से सारा काम चल जाता है। बस अहंकार छोड़ दिया, सबको जूते चप्पल पहनाता रहता हूँ और अपना काम बनाता रहता हूँ। पार्ट टाइम में भी काम कर लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, और भजन भी याद कीजिए, साहित्य को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। आज संसार में स्वाध्याय घटता जा रहा है, लोग पढ़ते बिल्कुल नहीं हैं, और स्वाध्याय जितना घटेगा टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो तो कहते संस्कृत पढ़ना आता नहीं, तो उसका अर्थ पढ़ लो। वेद पढ़ो कहते वेद में क्या रखा, कुछ है ही नहीं, कभी पढ़ा है? बोले कभी नहीं। तो रखा क्यों नहीं? बोले जानते नहीं। तो मानते क्यों नहीं? बोले समझते नहीं। तो पढ़ोगे क्यों नहीं? बोले इच्छा ही नहीं, तो मूर्ख बने रहोगे। वेद में भी बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। चलो ये संस्कृत के शास्त्र नहीं पढ़ सकते हो तो रामायण पढ़ो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहते पुण्य उपजय बहुसूला। कुछ तो पढ़ो, अब नहीं पढ़ोगे तो आपस में लड़ोगे, क्योंकि ज्ञान बुद्धि है ही नहीं। फिर
साहित्य की दुकान पर देखो जाकर छोटी छोटी किताबें रखी हैं, 20 रुपये की, 30 रुपये की, 40 रुपये की। उन किताबों को पूरा खरीद लो थोक में। यहाँ भी पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ है, लेटे लेटे बिस्तर पर पढ़ो और ऐसी इसी पुस्तकों की एक लाइन आपकी जिंदगी की लाइन को सुधार देगी। बरसे कंबल भीजे पानी ऐसी पुस्तक है कि आपकी जिंदगी पूरी भीग जाएगी अमृत ज्ञान में। सुख की खोज ऐसी पुस्तक है, तुम्हारा सुख खो गया वो खोज लोगे तुम। और उन्नति आप करना चाहते ये पुस्तक है, आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। बहुत सारी पुस्तकें वहां मुझे नाम नहीं याद है पूरा, वो सब ले लो आप। और अपने घर में ओट पटांग फोटो मत लगाओ, ओट पटांग चित्र मत लगाओ। कितने लोगों के घर में तो गधे का चित्र लगा है। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? बोले गधे का चित्र इसलिए लगाया हूं क्योंकि मैं भी गधे से कम नहीं हूं, रात दिन ढोता रहता हूं, बस जिंदगी गधेपन में बीत गई। तो गधे का फोटो लगाते, चित्र भी लगाना है तो अपने माता पिता का चित्र लगाइए, चित्र भी लगाना है तो कोई महान संत गुरु का चित्र लगाओ, जिनको देख करके आपके मन में प्रसन्नता आ जाए। आपके हर कमरे की दीवार पर, बरामदे की दीवार पर चित्र लगे होने चाहिए। अभी मैं 2-3 घरों में पधरौनी गया तो उनके घरों में बहुत चित्र लगे थे, तो उस चित्र में लिखा था सदैव सरल रहो, प्रसन्न रहो, गम खाना सीखो, सवेरे समय पर जागो, मेहनत करने से जी मत चुराओ, ये सुख की चाबियां इन्हें संभाल कर रखो। तो मैंने कहा इसे लगाने से क्या फ़ायदा हुआ? बोले फायदा, मैं तो सुबह जागता ही नहीं था, इसे जागना शुरू किया। हाँ, एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। और ये जो टीवी में प्रवचन आता है इसको भी ध्यान से सुनो, और टीवी में कभी बंद हो जाए तो फिर छतरी लगवाओ, वो जो आती छतरी उतरी को DDH क्या बोलते हैं, और पेन ड्राइव खरीद लो, मेमोरी कार्ड खरीद लो, 150-150 घंटे का प्रवचन ले लो, कि क्या भरोसा बंद हो जाए टीवी में तो तुमको ढूंढे हम नहीं मिलेंगे। ये तो बड़ी कृपा है मनोहर बैंकर की, और बड़ी कृपा पिछले साल थी हरि सिंह पटेल और मनोहर पटेल की, और उसमें सहयोगी थे विश्वजीत पटेल, ब्रजेंद्र सिंह रघुवंशी, तो इनकी कृपा से ही हम आ जाते हैं। देखिए सत्संग तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग कराने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और सत्संग कराने से बहुत पुण्य होता है। इतना पुण्य होता है कि जितनी आत्माओं को शांति मिलती है, घर में कलह कलेश खत्म होता है, वह फल सबके घर की शांति के पुण्य का फल सत्संग समागम कराने वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग समागम तो कराना ही चाहिए, जिंदगी में 1-2 बार तो संकल्प रखना ही चाहिए। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, गाइए बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े सब गाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा, बड़े गाइए देवेंद्र पटेल सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए
सत्संग। सज्जनों,